Hello friends, this is Yannu Kumar and now we will discuss the English portion of UPTET primary level examination held today. जो आज UPTET का primary का exam हुआ है, आज morning में हुआ है, उसका English का portion हम solve करेंगे. Question number 61 से start करते हैं. First question है 61. Which part of a speech is the word hard in the sentence he is working hard? Answer hai adverb. Next question, question number 62. Which of the following sentence has a conjunction? Answer hai first, she is a poor but conjunction hai. 63. Point out the sentence which is an in present perfect tense. Present perfect tense mein hai. I have finished. Option 4 answer. Which of the following is a misspelled word? Ye option first hai, derogatory hai. D-E-R-O-G-A-T-O-R-Y. Derogatory. Derogatory hai. Ye word. Aur jo misspelled hai. Next dekhiye. 65. Which of the following sentence हैज ए ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब होता है जो एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट लेती है. आंसर 4. इसमें स्नैक ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट 66. नेगेटिव सेंटेंस कौन सा है. फर्स्ट ही डजंट डज नॉट लिसन टू मी. 67. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन. ऑप्शन सेकेंड 67. 68. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑप्शन 4. नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 69. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज पर्लल. पर्लल है माइस. रैट का पर्लल माइस. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रिगार्डेड एज सिंगुलर. मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर की तरह काउंट होता है मैथमेटिक्स. आंसर 71. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस. ऑप्शन 4 आंसर है ही वॉज हिट बैडली. 72. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस बाई आता है पैसिव वॉइस में. ऑप्शन फर्स्ट है करेक्ट है ऑप्शन इसका. नेक्स्ट आइए 73. दिस इज द मैन द पुलिस वॉज सीकिंग. द इसमें क्या है, ये जो दो द दिए गए हैं डेफिनेट आर्टिकल है जहाँ इम्पेसाइज किया जाता है वहाँ द डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है. ऑप्शन 4 सही है. 74. दीज स्टूडेंट्स ये कॉमन जेंडर है जहाँ पर मैस्कुलाइन या फेमिलाइन जेंडर को बताने के लिए यूज किया जाता है. जैसे दीज स्टूडेंट्स इनका जेंडर यहाँ पर कन्फर्म नहीं है तो कॉमन जेंडर. इन द सेंटेंस ही वॉज गोइंग अलोंग द रोड पॉइंट आउट द टेंस. पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ऑप्शन फर्स्ट. लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट होती है लिसनिंग से. ऑप्शन फर्स्ट आंसर है. 77. पर्पस क्या होता है पोएट्री को लर्न करने का, रिसाइटिंग रिपीट करने का. आंसर ऑप्शन थर्ड है इंजॉय एंड अप्रिसिएट द पोएम. फिल इन द ब्लैंक्स आ यूरोपियन होता है और एन एलिफेंट होता है ऑप्शन थर्ड है. चूज द करेक्ट सेंटेंस प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी ऑप्शन थर्ड. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोपोजिशन. एक्यूज्ड के बाद हमेशा वो प्रीपोजिशन आती है ऑप्शन सेकंड. नेक्स्ट आइए द एंटोनियम्स ऑफ इनोसेंट. इनोसेंट निर्दोष. एंटोनियम्स होगा इसका विपरीत वर्ड होगा गिल्टी. सिनोनियम ऑफ सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट होता है महत्वपूर्ण. आंसर है 4 इम्पोर्टेंट. 83. 83. ओक्स. ऑक्स है ऑक्सन हो जाएगा सफिक्स ई एन एड होगा ऑप्शन 4 है. 84. थर्ड आंसर होगा योर्स. दिस ड्रेस इज योर्स एंड दिस इज एंड दैट वन इज माइन. 85. पैसिव वॉइस में चेंज करना है थर्ड ऑप्शन होगा. हैज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स. पैसेज है 86. 87 पैसेज है. Which kind of noun is Gangapur? जो नेम होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं. आंसर 4 है. 86 आंसर इज 4.
विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड ब्रेव? ब्रेव क्या है? बहादुर, ब्रेव एडजेक्टिव है। आंसर फर्स्ट है 87 का, 87 आंसर फर्स्ट। एंड आइए 88, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन गोल्ड है, सिंपल है। 89, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? कनेक्शन, कनेक्शन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, संबंध है, उनको हम देख नहीं सकते। विच ऑफ द नाउन, विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी? एडवर्सिटी ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑप्शन वन आंसर है। सो फ्रेंड्स, दैट इज द आंसर की ऑफ इंग्लिश पोर्सन ऑफ पी आर टी लेवल एग्जामिनेशन हेल्ड टूडे इन द मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पोर्सन भी देखते रहिए, हम लाएंगे आंसर की उनकी। दो पोर्सन की मैंने डाल दी है, देखिए मिलाइए, चेक करिए, कोई सजेशन हो तो आप बताइए।